अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हालत पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर मजीद सख्तियां, पुलिस कमिश्नर खुद आए सड़कों पर, पासेस का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, अगर अभी नहीं संभलेंगे तो कोरोना वायरस आपके घर वालों को लेगा अपनी लपेट में। आज सुबह ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर मिलकर एडिशनल सीपी ट्रैफिक और हम लोग सब 4-5 जगह चेकिंग करे। चेकिंग में पता चला कि अभी भी बहुत लोग पासेस का मिसयूज कर रहे हैं और इसीलिए उनका पासेस कैंसिल किया गया और उनकी गाड़ियां भी सीज की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर लॉकडाउन को 100% स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में हालत पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस की तरफ से अब मजीद सख्तियां बरतने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है तो आप और हम सबको अपने अपने घरों में ही कुछ दिनों तक रहना होगा, नहीं तो ये वायरस ऐसा वायरस है जो आप और हम सब के साथ घरों में दाखिल होते हुए अपने घर वालों को लपेट में ले लेगा। भले ही इस वायरस का असर आप या हमको ना हो, मगर हमारे घर वालों को तो जरूर होगा, इसीलिए भी हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की सख्तियां बरती जा रही है। तो लिहाजा आप और हम सबको चाहिए कि घरों में रहते हुए अपने साथ साथ अपने घर वालों की खुद हिफाजत करें, नहीं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। इसी वजह से भी इन सारे हालात को देखते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार खुद अब सड़कों पर आ चुके हैं और वो खुद अपनी रास निगरानी में हालात पर काबू पाने की कोशिश में है, क्योंकि लॉकडाउन हो या फिर कर्फ्यू के औकात हो, लोग गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालात पेश आ चुके हैं। आप और हम रूल्स रेगुलेशन पर चलते होते तो शायद इस तरह के हालात देखने को नहीं मिलते, और इन हालात की जिम्मेदारी अवाम पर ही जाती है। अब लॉकडाउन फेज 2 में इस तरह से सख्तियां करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और फिर शहर भर में पुलिस हमले की तरफ से तलाशी मुहिम का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, खासकर पुराने शहर बहादुरपुरा, काला पत्थर, किशनबाग, चंद्रान भुट्टा, संतोष नगर व दीगर मुकामात पर इस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, और मदीना बिल्डिंग क्रॉस रोड पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार खुद अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। अवाम को समझाने के लिए आज यानी 21 अप्रैल के दिन सुबह के औकात में वक्त से पहले ही बाजार बंद करा दिए गए। काला पत्थर में तो सुबह 11 बजे से ही पुलिस हमले ने दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया ताकि अवाम को सड़कों पर निकलने से रोका जाए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में मजीद सख्तियां बढ़ती जाएगी ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। तो चलिए इस मौके पर इनका बयान और साथ में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की तरफ से चलाई जा रही इस खसूसी मुहिम के मुनाजिर आप सब तक के लिए पेश किए जा रहे हैं, ताकि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। और हमारी आप सब से फिर एक बार अपील है कि कोरोना वायरस से लड़ना है तो मकानों में रहना जरूरी होगा। इस पर आप सबकी क्या है, कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए। शेख अब्दुल बशीर और मुजम्मिल अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज, हैदराबाद। हैदराबाद सिटी में लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए हर जगह चेक पोस्ट, चेक पॉइंट को पहले से और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। आज सुबह ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर मिलकर एडिशनल सीपी ट्रैफिक और हम लोग सब 4-5 जगह चेकिंग करे। चेकिंग में पता चला कि अभी भी बहुत लोग पासेस का मिसयूज कर रहे हैं और इसीलिए उनका पासेस कैंसिल किया गया और उनकी गाड़ियां भी सीज की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर लॉकडाउन को 100% स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा और नए नए केस भी आते रहेंगे। इस जिम्मेवारी को अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी गलती आज की तारीख में शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आज के बाद से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, गाड़ियों का सीज़र, पासेस का कैंसिलेशन और क्रिमिनल केस बुकिंग, ये तीनों काम आज से ज़्यादा होगा। पिछले 40 मिनट में हम लोगों ने यहाँ मदीना पे जो चेकिंग का सिलसिला देखा उससे पता चला कि अभी भी मिसयूज़ बहुत हो रहा है, और इसीलिए आज हर चेक पोस्ट को ये हिदायत दिया गया है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग करें। थैंक यू।